हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो इसका टॉपिक है डबल इमेज। ये डबल इमेज होता क्यों है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और अगर जो ये ठीक नहीं हो रहा है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि डबल इमेज होता क्या है। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये डबल इमेज है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, ये दो दो पिक्चर दिख रही है। जिंग लिखा हुआ है, ये डबल दिख रहा है, और ये जो पिक्चर है और वो भी डबल डबल दिख रही है। यहाँ बाई दो दो बार दिख रहा है, तो हर चीज दो दो बार दिखेगी और उसे कहते हैं हम डबल इमेज। और डबल इमेज होता क्यों है, जैसे कि आपको अगर जो नहीं पता हो कि ऑड और इवन लाइंस से स्कैनिंग होती है एलसीडी टीवी में, जिससे हमें चलती हुई पिक्चर दिखाई देती है, तो अगर जो दो लाइंस आपस में शॉर्ट हो जाए, मतलब एक तो जो ऑन होनी चाहिए वीजीएच मिलने के समय पर और एक वी ऑफ मिलने के समय पर जो बंद होनी चाहिए, वो दोनों ही जो पिक्चर है ऑड और इवन की, दोनों आपस में जुड़ जाती है, जिसके वजह से हमें दो दो पिक्चर दिखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एक ही फोटोज होती है ऑड और इवन लाइंस के अंदर जब स्कैनिंग शुरू होती है। तो ये इसी तरह से पूरी स्कैनिंग होती है दो दो फोटो से, दो फोटो एक ही टाइप की और ऑड में होती है, एक इवन में होती है, दोनों आपस में जुड़ जाती है जिससे हमें डबल इमेज दिखती है। तो एक कोई साइड हम कट करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे पहले ही बताया कि दो फोटो होती है एक ही टाइप की, तो एक फोटो से आपको पूरी पिक्चर कंप्लीट दिख सकती है। लेकिन ये कब ठीक हो सकता है, वो सब चीज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की ये प्रॉब्लम्स होती है और कहां पे इसका सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम तो ये जो आपने देखा, और इसका सॉल्यूशन होता है ये जो बड़ी कॉफ देख पा रहे हैं आप, इसके दोनों किनारे पर आपने जो देखा होगा ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट आपके गेट लाइंस हैं, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पैनल में लिखा हो सकता है, CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, इस तरह की कुछ लाइंस होती है। तो आप यहां देखेंगे कि CKVB2 इधर लिखा हुआ है, तो ये दो ट्रैक्स जो है वो CKVB2 और CKV2 की है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी राइट साइड की ट्रैक कट करके। ये जो राइट साइड की हम ट्रैक कट कर दें और फिर बाद में टीवी स्टार्ट करके देखें और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे कट करके छोड़ देना है। और अगर जो ना हो तो आपको सारी ट्रैक्स ज्वाइंट करनी है वापस। सारी ट्रैक इस साइड की ज्वाइंट करने के बाद आप इस साइड आ जाओगे दोबारा और यहां की ट्रैक कट कर दोगे। और अगर जो यहां की ट्रैक कट करने से भी ना हो तो एक और तरीका है, जैसे कि मान लो कि आपने इस साइड में दो ट्रैक कट की, सिर्फ दो ट्रैक शुरुआत में कट की, CKV1 और CKVB1, ठीक है। आपने जो कट किया है वो इस जगह से कट किया है, टेस्ट पॉइंट्स यहां दिए हुए हैं, यहां से नहीं कट करना है आपको, यहां जो डॉट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर से कट करना है कॉप की साइड से, ठीक है। इतनी जगह बचाते हुए कि दोबारा हम इसे जम्पर लगा के जोड़ सके वापस से, अगर जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो पहले CKV1 और CKVB1 ट्रैक जो है हम कट कर लेंगे, और कट कर लेने के बाद अगर जो डबल इमेज ठीक हो जाती है लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप्स दिखती है जो कि पिक्चर के साथ चेंज हो रही है, तो ये अगर जो हो रहा है तो आपको करना ये होगा कि CKV1 और CKVB1 जो ट्रैक आपने कट की, वहीं से वो दोनों पॉइंट से आपको जंपर लगाना है, और जंपर लगाने के बाद आपको उसको ग्राउंड कर देना है। इस पॉइंट पे आप ग्राउंड कर दोगे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ना हो तो दोबारा आप एक काम कीजिए, ये दोनों ट्रैक को शॉर्ट ही रहने दीजिए और उसे वी ऑफ के साथ कनेक्ट कर दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है। इसी तरह से आप CKV2 और CKVB2 के साथ भी कर सकते हैं, और लेकिन इतना करने पर भी अगर जो आपकी टीवी ठीक नहीं होती, आपका पैनल ठीक नहीं होता है, तो आपको न्यू पैनल रिप्लेस करना पड़ेगा। इसमें इसका कोई और रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि पैनल
अंदर से खराब है, पैनल के ग्लास के अंदर आईटीओ लाइंस आपस में शॉर्ट है, जिसे आप यहां से कट करके ठीक कर रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यहां से हो सकता है। अगर जो ये नहीं हुआ तो आपको पैनल रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं बारी बारी की किस साइड से आप पहले कट करोगे। तो मैंने दो आकृति बना रखी है, ये कॉफ की दोनों साइड की मैंने हाफ हाफ फोटो रखी है, जिसमें मैंने राइट साइड की यहां पर है और लेफ्ट साइड की जो कॉफ की जो फोटो है वो गेट लाइन की साइड मैंने इस साइड कट की है। सो आप देखेंगे कि मैंने बोला है कि फर्स्ट कट हियर, मतलब यहां इतनी लाइंस आपको पहले कट करनी है। कट कर लेने के बाद आप देख लीजिए, अगर जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, टीवी पैक कर दीजिए, ये कस्टमर को चेक करके आप दे सकते हैं। लेकिन ना हो तो दोबारा ये सारी लाइंस को शॉर्ट करके वापस जम्पर मार के इस साइड आ जाना है और सारी ट्रैक्स कट करनी है इस साइड की। और इस साइड कट करने से अगर जो पिक्चर चले जाती है, आपकी पिक्चर गायब हो जाती है, या हॉरिजॉन्टल एक पतली बारीक लाइन दिखती है, उसके अलावा पूरी स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिखता है, तो समझ लो कि आपकी पैनल खराब है और इसको रिपेयर करने का कोई और रास्ता नहीं है, आपको पैनल रिप्लेस करना पड़ेगा। सो बीच में मैं कुछ अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद मैं दूसरा सेक्शन चालू करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, नेक्स्ट मेरी जो अभी ट्रेनिंग है वो 17 मई को है मुंबई में। इसकी बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं मुझे, यहाँ पर मैंने फोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, जो कि फोन नंबर है 9724584872। इस पे कॉल कर सकते हैं आप, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम लिख के भेजिए और आप बताइए कि आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, और इसकी आप ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन बुकिंग का अरेंजमेंट कर रखा है इस ट्रेनिंग के लिए। सो दोस्तों, आप अभी भी देर नहीं हुई है, इस ट्रेनिंग की बुकिंग आप ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, मेरी ट्रेनिंग आपको अगर जो लेनी है बेसिक नॉलेज की, तो आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर दिए गए आई बटन जो ऊपर दिखेगा आपको राइट हैंड कॉर्नर पे, उसको दबाइए और वो मेरी विनोद कैनी टेक्निकल की तरफ आपको ले जाएगा, और वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक जो जानकारी है वो आपको वहां उस चैनल पर मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इसके बाद आने वाले टाइम में मैं अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ जरूर आता रहूंगा, तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने मिलेगी और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।